सो हे गाइस, क्या हाल है। आज के वीडियो में आप लोग के लिए दो गिवअवे अवेलेबल है। गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपली चैनल सब्सक्राइब करना है, उसके बाद वीडियो को पूरा देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा या कहां पर कुछ कमी थी। कमेंट्स मैं खुद रीड करूंगा और किसी भी दो रैंडम बंदे को मेरी तरफ से 100 डायमंड का डायमंड गिवअवे मिलेगा। तो जाओ वीडियो देखो, कमेंट करके बताओ कुछ अच्छा लगा क्या। एक बात बताइए चौबे साहब, इस बरमूडा का सबसे अमीर आदमी कौन है? इसमें पूछने वाली क्या बात है जेके साहब, आज की डेट में तो आप ही हैं। आज की डेट में ना चौबे साहब, मुझसे पहले तो कोई और था, क्या नाम है उसका? जी वो मित्तल, आर्यन मित्तल नाम है साहब जी उनका। उन्होंने हाल ही में एकेडमी खरीदा है बरमूडा के गरीब लोगों के लिए। बड़े नेक दिल आदमी है साहब जी वो। बदले में उन्होंने अपना पूरा जमा पूंजी और अपने घर तक को गिरवी रख दिया। हाँ तो बहुत बढ़िया चौबे साहब, अब वो एकेडमी हम खरीदेंगे। पर इसमें तो हमारा लॉस हो जाएगा ना साहब। कभी कभी लॉस और प्रॉफिट मायने रखता है चौबे साहब, आपसे जितना कहा जा रहा है उतना कीजिए। आज शाम तक एकेडमी मुझे मेरे नाम पे चाहिए। ठीक है साहब जी, आप जैसा ठीक समझे। आर्यन बॉस, आज तो आप बहुत खुश होंगे ना, आखिरकार ये प्रोजेक्ट आपने खरीद ही लिया। हाँ हिमांशु, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस प्रोजेक्ट का सपना मैंने नहीं मेरी माँ ने देखा था, और अगर आज वो मेरे साथ होती तो वाकई मैं बहुत खुश होती। हाँ बॉस, बात तो आपकी सही है, पर आपको नहीं लगता कि आपने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुका दी है? हाँ हो सकता है हिमांशु, पर मेरी माँ कहती थी कि सपनों के सामने कीमत की कोई वैल्यू नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप ही आर्यन मित्तल हैं? जी हाँ मैडम, मैं ही हूँ, कहिए क्या काम है आपको? देखिए सर, हमें बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर अब ये एकेडमी जेके इंडस्ट्री ने आपसे दुगनी प्राइस देके खरीद ली है, इसलिए आपको ये प्लेस खाली करनी पड़ेगी। पर ये कैसे पॉसिबल है मैम, पूरे पेपर वर्क तो हो चुके थे ना, और इस एकेडमी के लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया है, अगर ये कोई और खरीद लेगा तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा ना। हाँ मैं समझ सकती हूँ सर, पर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, सॉरी। मैम रुकिए, सुनिए मेरी बात, आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मैम, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? बॉस खुद को संभालिए और एक चीज पे नोटिस कीजिए, अगर कोई हमसे थोड़े से भी पैसे ज्यादा देता तो उसे लॉस होता, और इन्होंने हमसे दुगने पैसे दिए हैं, उन्हें तो बहुत लॉस हुआ होगा, आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों होगा बॉस? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हिमांशु, पर ये प्रोजेक्ट मेरी माँ का सपना था, और इसे यूं अधूरा मैं नहीं छोड़ सकता, मैं जेके इंडस्ट्री से बात करूंगा। पर बॉस एक बात तो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, उन्होंने लॉस में जाके ये प्रॉपर्टी खरीदा है, अगर उन्हें प्रॉफिट ही चाहिए था तो वो ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे ही क्यों? बॉस कुछ बोलिए, आप इतना चुप क्यों हैं? मुझे कुछ नहीं पता हिमांशु कि मैं क्या बोलूं, आज मेरे आंखों के सामने मेरा सपना टूटता देखा है मैंने। अरे ये क्या, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, सब ठीक तो है ना नेहा? हाँ ठीक है आर्यन, मुझे क्या होगा? नेहा प्लीज समझो यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता मैं। हाँ जस्सू मैं समझ रही हूँ, तुम प्लीज इतना परेशान मत हो, आर्यन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उससे बात करूँगी, भैया भी समझ जाएंगे जस्सू, पर अभी मुझे जाना होगा। आर्यन सब ठीक तो है ना, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्योंकि नेहा आज किसी ने मुझसे मेरा ड्रीम, मेरा करियर, मेरी जिंदगी भर की मेहनत सब कुछ छीन लिया मुझसे। क्या, पर आखिर किसने आर्यन? मुझे भी नहीं पता किसने, पर उसने खुद घाटे में जाकर मेरा सब कुछ तबाह कर दिया नेहा। अरे ये क्या, जोसेफ साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या काम है आपको? देखो हिमांशु, मामला थोड़ा पेचीदा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बॉस को ही बुला लो, मैं उन्हीं से बात करना चाहूँगा। देखिए जोसेफ साहब, बॉस पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है, और मैंने चाहता कि वो और परेशान हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पहले बता दीजिए, फिर मैं उन्हें बुला लाऊंगा। एक मिनट नेहा, ये कैसी आवाज है? अरे ये क्या, चौबे साहब आप, अब क्या हमसे हमारा घर भी छीन लिया जाएगा? माफ कर देना आर्यन साहब, पर यही हमारा काम है, आपने एकेडमी को खरीदने के लिए अपने घर के पेपर्स दिए थे, और अब आपके पास एकेडमी नहीं रहा, तो हम उस फाइनेंस को कवर करने के लिए आपके घर को सेल करेंगे। ठीक है चौबे साहब, पर क्या बस मैं इतना जान सकता हूँ कि आखिर कौन है इन सब के पीछे, कौन है वो और क्यों कर रहा है मेरे साथ इतना बुरा? काश मैं आपकी मदद कर पाता आर्यन साहब, पर मेरे हाथ पूरे तरीके से बंधे हुए हैं, मैं बस इस वक्त आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि आप अभी इसी वक्त ये घर खाली कर दीजिए। ठीक है चौबे साहब, आप अपना काम कीजिए, मेरे तरफ से आपको कोई समस्या नहीं होगी, पर मुझे बताइए तो सही आखिर गलती क्या थी मेरी, मैंने तो बस गरीबों का मदद करना चाहा था। आपने जो कहा था वो तो हो गया जेके साहब, पर सच बताएं हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये सब करके, आप एक बार आर्यन साहब से मिल के तो देखिए जेके साहब, वो सच में बहुत अच्छे आदमी हैं। मुझे इन सब से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस दुनिया में कोई सच्चाई की कदर नहीं करता, मैं भी चला था प्यार की राहों पर रहने कहा ना, सच्चे प्यार की कोई कदर नहीं करता।
माँ प्लीज मुझे मत रोक माँ, मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता माँ, उसका भाई उसके जबरदस्ती शादी करवा रहा है, मुझे मत रोक माँ, मुझे जाने दे। नहीं जय बेटा, प्लीज मेरी बात समझ, वो लोग बड़े लोग हैं, हमारी औकात नहीं उनकी जितनी, बेटा प्लीज मत जा। नहीं माँ नहीं, अगर आज मैं वहाँ नहीं गया ना माँ, तो मैं दोबारा खुद से ही नजर नहीं मिला पाऊंगा, मुझे मत रोक माँ, मुझे जाने दे। बेटा तो प्लीज समझने की कोशिश कर, नेहा बड़े घर की लड़की है, वो हमारे साथ एक छोटे से घर में कैसे रहेगी, और उसका भाई भी यहाँ रहने नहीं देगा बेटा उसे। वो सब मैं कुछ नहीं जानता माँ, मुझे बस मेरी नेहा चाहिए और मैं उसे यहाँ लेकर आऊंगा, मुझे आज कोई नहीं रोक सकता माँ, मुझे जाने दे। अबे देखो रे देखो, लगता है दूल्हे राजा कहीं जा रहे हैं। क्या बात है दूल्हे राजा, कहाँ जा रहे हो आप? देखो भैया, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम लोग के सामने, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मेरी नेहा चाहिए। ओहो, तो तू नेहा मैम साहब से मिलने जा रहा है? देख बे साले भिखारी, आज नेहा मैम साहब का शादी है, साहब चाहते नहीं कि वहाँ तेरी वजह से कोई तमाशा हो, इसलिए तेरी खातिरदारी करने के लिए हमें भेजा है। एक बात तो कान खोल के सुन ले, तेरी औकात नहीं है कि तू नेहा मैम के बारे में सोच भी सके, जरा ठोको रे साले को। मत मारो भैया, मुझे जाने दो, मुझे नेहा के पास जाने दो भैया। अबे चुप बे साले दो कौड़ी के ऑटो ड्राइवर, भूल जाने हमें मैम साहब को, और वैसे भी वो तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती है, वो तो बस तेरे मजे ले रही थी, तू भी ना साले बुड़बक, ना जाने कैसे सोच लिया कि वो तुझे मिल जाएगी। नहीं भैया, वो नेहा भी मुझसे प्यार करती है। चुप बे साले, ऐसा कुछ नहीं है, चलो बे, इतना मार काफी है साले के लिए। इतनी आसानी से तो मैं हार नहीं मानूंगा, मेरी नेहा के लिए मैं वहाँ जाऊंगा जरूर, मैं जाऊंगा। अरे वाह, क्या माहौल है, बहुत ही बढ़िया, देख के मजा ही आ गया। तो बोलो हरियन बेटा, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? जी हाँ फादर, मैं तैयार हूँ। और नेहा बेटी, आप शादी के लिए तैयार हैं? नेहा नेहा फादर कुछ बोल रहे हैं। हाँ कहिए फादर। बेटी क्या आप शादी के लिए तैयार हो? हाँ फादर, मैं तैयार हूँ। तो बधाई हो आप दोनों को, आप दोनों को शादी मुबारक, आज से आप दोनों पति पत्नी। अरे वाह, तो आर्यन भाई अब तुम बन ही गए हमारे दामाद, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अबे वो लकी ड्राइवर, चल जाके जल्दी गाड़ी चालू कर। खुश रहो बच्चों। अरे नहीं, ये क्या बहराने में देरी कर दी, ये शादी हो गई? नहीं नेहा रुको, नेहा रुक जाओ नेहा। क्यों बे साले भिखारी, इतना मार खाने के बाद भी तू यहाँ चला आया? आखिर क्यों साहब जी, आपने ऐसा क्यों किया? मैं मानता हूँ कि मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। अबे प्यार व्यार से कुछ नहीं होता, मैंने ये रखता है कि जेब में कितना पैसा है, और आर्यन एक करोड़पति लड़का है और तू रोड़पति। साले भिखारी, तूने सोच भी कैसे लिया था कि मैं अपनी बहन का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा? साहब जी, पैसे ही तो सब कुछ नहीं होते ना? होते हैं, पैसे ही सब कुछ होते हैं, अगर जेब में पैसा है तो सब कुछ, वरना कुछ भी नहीं। चलो बे। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं यहाँ रह ही नहीं पाऊंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा कहीं दूर, बहुत दूर। अरे ये क्या बेटा, तूने बैग क्यों टांग रखा है, कहीं जा रहे है क्या तू? हाँ माँ जा रहा हूँ, यहाँ से दूर, बहुत दूर। पर क्यों बेटा, मुझे छोड़ के मत जा। तू फिक्र मत कर माँ, मैंने ऑटो बेच दिया है और कुछ सेविंग्स के पैसे सब इकट्ठे करके मैंने ऊपर रख दिया है, तेरा गुजारा हो जाएगा माँ। पर तू क्यों जा रहा है बेटा? माँ मैं पैसे कमाऊंगा, बहुत पैसे, बहुत सारे पैसे माँ। पर क्यों बेटा, पैसों से क्या होता है, क्या करेगा बहुत सारे पैसों का? मैं पैसों से सब कुछ खरीद लूंगा माँ, प्यार मोहब्बत इज्जत सब बिकता है, इन सबको पैसों में खरीद लूंगा मैं। बेटा तो गुस्से में है। नहीं माँ, अब मैं होश में हूँ।
आज देख ले माँ, मैंने सब कुछ खरीद लिया, सब कुछ, उन लोगों को भी जिन्होंने एक दिन मेरा मजाक उड़ाया था। और अब बारी है उन लोगों की जिन्होंने पैसों के सामने मेरे प्यार की कदर नहीं की। मैं उन्हें उनके औकात दिखाऊंगा माँ। अरे क्या बात है दमान बाबू, आज बड़ा अपसेट लग रहे हो। आपने तो बहुत बड़ा अकेडमी खरीद लिया, इतने पैसे, अब तो हमारी बहना को आप पैसों में डांस करवाओगे? नहीं युग भैया, आर्यन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, उनकी मदद कर दीजिए। हाँ युग भाई, हमारी जिंदगी में सब ठीक चल रहा था, पर ना जाने कहाँ से आ गया वो। उसने हमारी बर्बादी के लिए अपना नुकसान तक नहीं देखा, उसने हमारे पूरे सपनों की फाट लगा डाली है। तुम फिक्र मत करो आर्यन बाबू, उसने तुम्हारे सपनों की आग लगाई है ना, मैं उसे जिंदा जला दूंगा। पर अभी मेरा एक बहुत बड़ा मीटिंग है, एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाया है पॉर्गेट्री से, उससे मिलना बहुत जरूरी है, बहुत बड़े पैसों का मामला है, तो मैं उससे मिल के आता हूँ, उसके बाद तुम्हारा मामला सुलटा दूंगा आर्यन बाबू। एक मिनट युग भाई, आपने कहा ना बड़ा बिजनेसमैन, नाम क्या है उसका? नाम नहीं आर्यन बाबू, ब्रांड है वो, जेके इंडस्ट्री का एक लौता मालिक, लोग उसे जेके ही बुलाते हैं, असली नाम तो मुझे भी नहीं पता। जेके, ये वही है युग भाई, यही मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है भाई, मुझे भी मिलना है उससे। क्या वो तुम्हारे पीछे पड़ा है? तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। खैर चलो मैं मिलवाता हूँ तुम्हें उससे। अरे क्या बात है चौबे साहब, क्या बोल रहे हैं आर्यन बाबू, क्या इनके वो एकेडमी वाले मामले के पीछे भी जेके ही साहब हैं? हाँ युग, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आर्यन साहब के बर्बादी के पीछे उनके घर से लेके उनकी एकेडमी तक हर चीज के पीछे जेके साहब ही हैं। पर क्यों चौबे अंकल, आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, वो क्यों हमारे पीछे पड़े हैं, वो क्यों आर्यन को इतना परेशान कर रहे हैं? सच बताऊं बेटा, ये चीज तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, वो खुद इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, फिर वो क्यों इतना लॉस उठा के आर्यन साहब के पीछे पड़े हैं? अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वो तो ठीक है, पर हो कौन मैडम आप? युग साहब ये रहन दीजिए चौबे साहब, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दे दूंगी। देखिए जेके में जो के है वो मैं हूँ किरण, और जो जे है वो तुम बताओ नेहा। मैं कैसे बताऊंगी, एक मिनट, जे यानी कहीं जे तो नहीं? अरे ये क्या जस्सू, तुम, ये सब तुमने किया है जस्सू? हाँ नेहा, ये सब मैंने ही किया है, क्योंकि तेरा भाई कहता था कि दो कौड़ी की लड़की के लिए दो कौड़ी का लड़का ही होना चाहिए, तो अब दो कौड़ी की तू और तेरा आर्यन। ये सब क्या कर दिया जस्सू तुमने, ये सब करने से पहले एक बार मुझसे मिल तो लेते। क्यों नेहा, और कौन सा चाल चलना बाकी था तुम्हारा? तुमने कहा था कि आर्यन तुम्हारा दोस्त है, तुम उससे बात करके अपने भाई से बात कर लोगी, पर तुमने तो शादी कर ली उससे। जस्सू अपने गुस्से में पागल हो गया, तो मैंने जो किया था तुम्हारे लिए किया था। मेरे लिए अजीत ठेंगा मेरा, तुम ना इस युग की बहन हो, तुमने भी अपनी औकात दिखाई थी नेहा, तुम्हें एक पैसे वाला का लड़का मिला, तुम भूल गई अपने इस ऑटो वाले को। मुझे यकीन नहीं होता जस्सू कि तुम वही हो जिससे मैंने प्यार किया था, कोई नफरत में इतना अंधा कैसे हो सकता है जस्सू? जस्सू ने नेहा, जय बोलो, बात पति पे आई तो जस्सू की याद आई, चल बे निकल यहाँ से और साथ में ले जा अपना ये दो कौड़ी का पति और दो कौड़ी का भाई। चल नेहा, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। मुझसे बिना मिले ही अपने दिल में इतना नफरत पाल लिया मेरे लिए। जस्सू मैं तुम्हें कल भी कहती थी कि पैसे कोई महत्व नहीं रखते, महत्व रखती है खुशियाँ, और जस्सू तुम, मैं तुम्हें प्यार पैसों के लिए नहीं तुम्हारी अच्छाई के लिए करती थी, पर आज तुमने वो भी दिखा दिया कि तुम कौन हो। भैया प्लीज ऐसा मत कीजिए भैया, ये शादी रोक दीजिए ना भैया, जस्सू मुझसे सच में बहुत प्यार करता है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, वो मेरे बिना मर जाएगा, भैया प्लीज ये शादी रोक दीजिए। देख नेहा, तू कहती है ना तेरे बिना वो मर जाएगा, पर तेरे साथ भी वो मर जाएगा, जरा पीछे पलट कर देख, ये मेरा आदमी है, इसके पास बंदूक है, मैं चाहूँ तो उस लड़के को अभी कभी मरवा सकता हूँ, अगर तू इसने आर्यन से शादी नहीं करेगी ना बहन, तो मैं सच में उसे मरवा दूंगा। भैया प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप समझ क्यों नहीं रहे भैया, पैसे ही सब कुछ नहीं होते भैया, प्यार भी कुछ चीज होता है, प्यार के बिना कोई महत्व नहीं है पैसों का भैया। देख नेहा, बाकी सब बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है, तू बस मेरी एक बात कान खुल के सुन ले, या तो तू आर्यन से आज शादी कर ले, या फिर उस लड़के का मरा हुआ मुंह देखेगी, डिसीजन तेरे हाथ में है।
अच्छा ठीक है भैया, मैं आर्यन से शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज आप जस्सू को कुछ मत करना।